गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो टुडे आज हम एक टॉपिक लेके आए सिंटैक्स के बारे में, ठीक है। तो आज आपको बताएंगे व्हाट इज सिंटैक्स। इकोनॉमिक का बहुत अच्छा टर्म्स है, एक इस बार जो आप प्रीलिम्स स्टेट पेपर वगैरह दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चर्चा उठ चुकी है, ठीक है। इस स्लाइड में आप देखो, सबसे लास्ट पैराग्राफ जो मैंने लिखा है उसमें ऐसा न्यूज में आया जा आ रहा है कि आर देयर मोर सिंटैक्सेज कमिंग। पब्लिक हेल्थ ग्रुप इकोनॉमिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट हैव आर्ग्यूड द गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट से बोला है कि आप इंक्रीज कीजिए एक्साइज ड्यूटी को ऑल टोबैको प्रोडक्ट इन यूनियन बजट 2022-23 टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिन टैक्स बढ़ेगा। तो बात आती है कि जब ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे न्यूज में चल रहे हैं, तो सिन टैक्स है क्या? तो सिन टैक्स समझने के पहले हम समझते हैं कि सिन गुड्स क्या होता है। तो सिन गुड्स आर गुड्स विच कंसिडर हार्मफुल टू सोसाइटी, ठीक है। यानी ऐसा गुड्स जो हानिकारक है हमारे सोसाइटी के लिए, उसे हम लोग सिन गुड्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज भी इसमें आएंगे, ठीक है। कि वैसे गुड्स या सर्विस जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो वैसे गुड्स को हम लोग सीन गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और इस बार पब्लिक हेल्थ ग्रुप्स के कुछ लोग, इकोनॉमिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट, ये सारे लोग गवर्नमेंट से ये गुजारिश किए हैं, आर्गू किए हैं कि आप एक्सरसाइज ड्यूटी को जो तंबाकू प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं उसे इंक्रीज करें यूनियन बजट में, जो कि 2022-23 में जनरेट होगा। और ये क्या करेगा, एडिशनल रिवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से और अंदर आते हम देखते हैं कि इस सिन टैक्स अब क्या है। तो देखिए, सिन टैक्स आपको इमेज से ही पता लग रहा होगा कि जैसे आप सिगरेट खरीद रहे हैं, है ना, कोई लिक्विड्स खरीद रहे हैं, तो उसके लिए जो पैसे देते हैं तो उसी में कुछ इंक्लूडेड आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो वैसा प्रोडक्ट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो आप पेमेंट करते वक्त देते हो, उसी में इंक्लूडेड रहता है प्राइस में, जो कि गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट के खाते में जाती है एज अ टैक्स। तो उस टैक्स को हम लोग सिन टैक्स कहते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मल डिफिनीशन भी दिया गया है कि ये सिन टैक्स इज प्लेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सीन टू बी सोशली डिट्रीमेंटल। ये बहुत अच्छा टर्म है, डिट्रीमेंटल। इस तरह के वर्ड आप यूज करोगे कहीं पे बोलने में या लिखने में, मेंस की राइटिंग में, तो काफ़ी है। डिट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, इंजूरियस टू हेल्थ और इंजूरियस फॉर सोसाइटी, है ना। डिट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। तो सोशली डिट्रीमेंटल जो सर्विस और गुड्स हैं उस पर ऐसे टैक्स को इम्पोज किया जाता है। तो सिन टैक्स क्या है, सिंपली आपको याद रखना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, सोशली डिट्रीमेंटल है ना, वैसे टैक्स को हम लोग सिन टैक्स कहते हैं। और ये इस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं या सर्विसेस हो सकते हैं, जैसे टोबैको है, गैम्बलिंग वेंचर्स, अल्कोहल, सिगरेट एंड अदर थिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट दैट आर सब्जेक्ट टू ए सिन टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसका गोल एक्चुअली है क्या, सिन टैक्स गवर्नमेंट क्यों इम्पोज कर रही है? तो इसका मेन गोल होता है, जो एक तरह से आप देखें तो ये लोग जो बोल रहे हैं, जो आपने पहले स्लाइड्स में देखा कि कुछ हेल्थ ग्रुप जो है वो आर्गू कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हेल्थ एक्सपर्ट कुछ लोग बता रहे हैं कि आप इसको बढ़ा के लगाइए सिन टैक्स को। तो इसका मेन पर्पस जो है, इसको डिस्करेज करना है यूजेज को, ये जो सीन गुड्स होते हैं उसके यूज को डिस्करेज करना है ना। ये सिन टैक्स आर इंटेंडेड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन सोशल डिट्रीमेंटल एक्टिविटी, है ना, जो हानिकारक एक्टिविटी है, जो हार्मफुल एक्टिविटी है सोशली, उसमें जो लोग एंगेज हैं, है ना, उनको डिस्करेज करने का, कि हम टैक्स नहीं इतना बढ़ा देंगे कि वो खरीद ही नहीं पाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा रेट कर दो को
पी ही नहीं पाएगा, सिगरेट नहीं खरीद पाएगा। जहाँ पे एक डब्बा खरीदने की बात वो करेगा, वहाँ पे हो सकता है बोले कि यार सिगरेट के दाम बहुत बढ़ गए हैं, या ये वो लिक्वर्स के या शराब के कीमत इतने बढ़ गए हैं कि हम चलो आज इतना नहीं, तो जहाँ पे एक बोतल की में पार्टी कर रहे थे हम लोग नहीं करते हैं, या कुछ और अल्टरनेटिव वो ढूंढेंगे, या करेंगे भी तो उसमें से बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, कहने का मतलब कि वो कम कर देंगे, कंज्यूम करना है ना, किसी तरह से वो सोचेंगे कि मेरा जो पैसा इसमें जा रहा है वो कम लगे, क्योंकि आप रेट बढ़ा देंगे, सिंटेक्स बढ़ा देंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा, सिन गुड्स का रेट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, इंटेंट करने के लिए है, डिस्करेजमेंट टू यूज हाँ ऑफ सच सिन गुड्स, वैसे गुड्स जो सोशली डिट्रीमेंटल एक्टिविटी को इनकरेज करते हैं उसको डिस्करेज करेंगे, ठीक है। तो इनका प्राइमरी गोल और क्या है, गोल इज टू मेक डेंजरस प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव, वही बात, टू रिड्यूस द है ना कंजम्पशन। दे ऑल्सो प्रोवाइड गवर्नमेंट विथ ए सोर्स ऑफ रिवेन्यू, ये एक्चुअल पॉइंट है जो कि डायरेक्टली आपको बोलना नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक पॉइंट आपको रखना है। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को कि आप तो पैसे निकालने के लिए करते हो, पीना तो सबको है ही, पी ही लेगा, चाहे बढ़ा दो घटा दो, जिसका एडिक्शन है वो तो पी पिए गए हैं, है ना, चाहे आप रेट कितना भी कर दो इससे कुछ होने वाला है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं किसी कंपनी को आप क्यों नहीं बंद कर देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सच्चाई है ना, आपको इस पॉइंट को भी रखना है, लेकिन केवल इसी पे नहीं रखना है। पहला पॉइंट जो है कि ये डिस्करेज करेंगे ऐसे लोगों को इस एक्टिविटी से, है ना, जो इंगेज हैं उसको डिस्करेज करने के लिए ऐसे टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, ये आपको रखना है। उसका एलिमिनेशन करने का एक ये तरीका है कि जो सीन गुड्स है उसका कंजम्पशन जो है लोगों में कम हो जाए, क्योंकि उसका रेट ही इतना बढ़ा जाए। लेकिन जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, दे ऑल्सो प्रोवाइड गवर्नमेंट विद ए सोर्स ऑफ मनी, ये सही बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत एक्चुअल ग्राउंड जो है ना, ये सच्चाई यही है, लेकिन आपको ऐसे सच्चाइयों से डायरेक्ट ना बोल के डिप्लोमेटिक वे में रखना है इसको। कहीं पे पहला पॉइंट वो बोल दिए कि सोशली डिस्करेज करने के लिए है ना, ऐसे कंजम्पशन को एलिमिनेट करने के लिए, और थर्ड में ये पॉइंट घुसा दिए कि हाँ गवर्नमेंट को इससे रिवेन्यू आती है, तो ये भी एक कारण है। अल्कोहल टोबैको सिगरेट प्राइमरी इंक्लूड अमंग दीज आइटम, है ना, सेन गुड्स के बारे में आपको पता ही है। गवर्नमेंट स्टेप टू टैक्स देम हायर रेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यूजेज है, वाइल ऑल्सो यूजिंग फंड गेन टू फंड वेलफेयर प्रोग्राम, मान लो जो फंड उससे जनरेट होगा उसको हॉस्पिटल खड़ा करने में, या जो भी इंफ्रा है गवर्नमेंट के उसको बढ़ाने में काम करेंगे हो, तो सेम टैक्स ये सब प्रोडक्ट पे लग सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, ड्रग्स है जो कि नशीली ड्रग्स होती है, या कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, शुगर, पोर्नोग्राफी, लॉटरी, मतलब कहने का मतलब ये सब जो आइटम्स ये हुए हैं, सीधा आपको याद रखना है कि वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो सोशली डिट्रीमेंटल है ना, जो सोशली हानिकारक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि इस तरह से जो सिन टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, कोई अपने मन से तो नहीं कर देगा गवर्नमेंट, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ उसके बेस पे करेगा। तो हाँ आप देखो पार्ट 4 में जो आपका DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, ठीक है, तो उसमें इंश्योर किया जाता है कि आपको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे वेलफेयर क्या है, स्टेट देखती है और एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसमें ये जो DPSP है 36 से 51 के बीच में, उसमें एक आर्टिकल है 47, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 47 जो आर्टिकल है वो बोलता है कि स्टेट जो है वो हमेशा कोशिश करेगी, है ना, क्या कोशिश करेगी, स्टेट मतलब जो आपका कंट्री है या आपका जो स्टेट राज्य है,
वो हमेशा इस डायरेक्शन में काम करेगी कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको रेज करेगी, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, है ना। ये इनका प्राइमरी ड्यूटी होगा, स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी क्या है, न्यूट्रिशन लेवल को, स्टैंडर्ड लिविंग को और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, है ना। और वो हमेशा कोशिश करेगी, एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, है ना, नशीली जो पेय है ना, या दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं जो इंजूरियस टू हेल्थ है, उसको रोकने में वो प्रयास करेगी स्टेट। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे बिहार में जो शराबबंदी है या और भी अदर स्टेट में जहाँ पे किए जाते हैं बंद इस तरह के जो लिकर्स होते हैं, या कोई कहीं पे गुटखा बंद कर दिया गया या कहीं पे सिगरेट बंद है, तो ये जो इंडिया में कानून लाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 47 के आधार पे ही लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जनरली पूछा जाता है, जैसे पीडीएस सिस्टम वगैरह कभी कभी एग्जाम में आया कि किस आर्टिकल के थ्रू स्टेट इम्प्लीमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये 47 आर्टिकल जो है ना, ये फूड सिक्योरिटी, है ना, हेल्थ वेलफेयर इम्प्रूव, पब्लिक हेल्थ लेवल, न्यूट्रिशन को रेज करना, इंजूरियस टू हेल्थ आइटम या ड्रग्स या जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है उसको प्रोहिबिट करना, ये स्टेट सेल एंडेवर मतलब स्टेट प्रयास करती है इसको प्रोहिबिट करने में इसी आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अभी न्यूज में है सिंटैक्स, तो डायरेक्ट सिंटैक्स ना पूछ के ऐसे घुमा फिरा के कहीं से पूछते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि चौतरफा उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैंने इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, 47 जो है कहीं ना कहीं यदि स्टेट की ड्यूटी बनाए तो वहीं एक इंडिविजुअल को राइट दे रही है जो आर्टिकल 21 है, आप ऊपर सबसे ऊपर आर्टिकल जो मैंने लिखा आर्टिकल 21, यहाँ पे वही बोल रहा है कि राइट टू लाइफ, है ना। यहाँ पे देखो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ द राइट टू लाइफ इम्पोजेज अपॉन द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, है ना। दिस राइट इज फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड इट प्रीवियस केसेज दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड ऑल दैट गोज अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग द राइट टू फूड। अच्छा, ये इंक्लूडिंग राइट टू फूड है ना, इसी में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल भी दावा कर सकता है या कोई एडवोकेट उसके तरफ से यदि एडवोकेसी करे तो उसमें ये बोल सकता है कि भाई हम कुछ भी कंज्यूम करें, तुम्हें इसमें क्या पड़ी है ना, मेरी राइट है, राइट टू फूड आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, है ना, जब तक मैं दूसरे को कोई डिस्टर्ब ना करूँ, तो इसमें क्या है दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग तथ्य यहाँ पे मिलता है आपको। तो जनरली आप देखेंगे फंडामेंटल राइट ऑफ डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऐसे केसेज में क्या होता है कि जो कोर्ट होते हैं वो जिसको सुपरसीड करके बताएंगे या जो ज़्यादा लगता है कि हाँ ये ज़्यादा जो है ना रेशनल है तो उस पे हम लोग चलते हैं या स्टेट उसी पे डिसीजन लेती है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है, इस तरह का केसेज यदि कहीं पे आपको मेंस में लिखने के लिए आते हैं सिंटैक्स पे या कोई इंटरव्यू पूछता है, तो आर्टिकल 21 जहाँ जो राइट देता है एक इंडिविजुअल को फूड का, वहीं आर्टिकल 47 प्रोविट करने के लिए सहारा दे रहा है किसी स्टेट को कि आप रोक सकते हैं ना, डिवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स विच इंजूरियस टू हेल्थ, तो बोलता हम कैसे रोकेंगे, तो सिंटैक्स लगा के रोकते हैं, हाँ हम पैसा इतना ही बढ़ा देंगे उसका रेट कि वो खुद ही खरीदने के लिए थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जिससे कि वो डिस्करेज हो जाएगा। चलो तो आगे भाई सिंटैक्स इम्पॉर्टेंट, अब वही बात मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे जो गुड्स होते हैं सेंट गुड्स होते हैं उसे कैंसर, हार्ट कंडीशन, ये सब रिस्क रहते हैं, है ना, कंजम्पशन अल्कोहल तंबाकू करने से। तो
ये इम्पोर्टेंट है जिस हिसाब से लगाना, ताकि उसका कंजम्पशन रोका जाए, कम किया जाए। कुछ ऐसे कंट्री में देखे भी गए हैं कि इसका कंजम्पशन जो है फॉल हुआ है ना, यदि सिंटैक्स में इम्पोज कर दिया जाए ज़्यादा अमाउंट में। तो उसके बाद ये भी एक सही बात है कि रेवेन्यू यदि स्टेट गवर्नमेंट को लेना है ना, तो लिक्विड सेल्स पे टैक्स लगा देते हैं। आप देखो हरियाणा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, है ना, वैसे स्टेट जहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, क्योंकि जनरली 28% या उससे ऊपर के सिन टैक्सेस होते हैं ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन सोर्स होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, है ना, किसी भी स्टेट को। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान दिल्ली गवर्नमेंट क्या किया था, पूरे दुकान को खोल दिया था लिक्वर्स के, क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटी बंद थी, उनको लगा कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से, कैसे हम वेलफेयर्स देखेंगे, स्टेट कैसे चलाएंगे, तो एटलीस्ट उससे रेवेन्यू आने दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट इस तरह से कहीं ना कहीं इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो दोनों जो मैंने आपको पहले ही आर्टिकल जो समझाया, आर्टिकल 21 जो एक इंडिविजुअल को राइट दे रही है राइट टू फूड का, वहीं दूसरी आर्टिकल 47 स्टेट को इनकरेज कर रही है कि आप रोको इसे, सिंटैक्स लगाओ, है ना। तो ये दोनों जो पैराग्राफ नीचे है ना, कि इकोनॉमिस्ट एंड वोकल पर्सनली वार्टी हैव इक्वली स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सिंटैक्स, है ना। एडवोकेट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी में सिंटैक्स का मिलता है कि हाँ ये क्यों लगाएंगे भाई, है ना, आप नहीं लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हर सिटीजन को फूड का राइट तो है, आप ऐसे डिस्करेज क्यों कर सकते हैं। वहीं दूसरा आर्टिकल जो 47 DPSP को बोलते हैं, नहीं हम लगा सकते हैं, इंजूरियस टू हेल्थ है, हम इसे डिस्करेज करेंगे, हम मेरा दायित्व तो बनता है स्टेट का कि हम न्यूट्रिशन लेवल हाई रखें, हेल्थ इंफ्रा को ठीक रखें, है ना। तो ये दोनों का सहारा लेके खींचातानी चलते रहती है, और इसी में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके रहना है, ठीक है। टू वाइल सीन टैक्सेज में रिड्यूस परचेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर ए फ्यू इनिशियल ईयर, हाँ ये एक बात है कि परचेज किसी प्रोडक्ट को रिड्यूस कर सकता है सीन टैक्स, है ना, वैसे यूजर्स के लिए जो डेली या एडिक्टेड है, उनको डेली दारू चाहिए, तो उनके लिए तो थोड़ा चलो ठीक है यार, उनको थोड़ा सा डाल सकता है कि दारू इतना महंगा हो कि अब खरीदना नहीं हो सकता, तो चलो छोड़ ही देते हैं दारू। लेकिन जो कभी कभी लेते हैं, है ना, साल में एक बार दो बार पार्टी में लेते हैं, उनको लगता है यार ये क्यों बढ़ा दिया, फालतू का चीज है ना, हम तो साल में एक दो बार ही लेते हैं, से क्या कर लेगा गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से सिंटैक्स को देखा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन है ऑलरेडी टेकिंग है बाइट आउट ऑफ योर हाउस होल्ड बजट, तो सिंटैक्स यदि आएगा तो ऑफ कोर्स चिंते वाली बात है, ठीक है। और ये डोंट रियली डिस्टिंग्विश, यदि ऐसा बोला जाए कि भाई जो रेगुलर कंज्यूम कर रहा है उसके लिए केवल होगा अप्लाई, जो ओकेजनली लेते हैं उसके लिए तो ऐसा कोई डिस्टिंग्विश है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब एक क्रिटिज हो सकते हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्रिटिज में ये भी हो सकता है कि यदि स्टेट इस पे बढ़ा दिया और उसको लगा कि हाँ यार ये तो सिंटेक्स से मेरे इतने रेवेन्यू आ रहे हैं, तो वो फिर ट्राई करेगा, है ना, इट मे बी टेम्पटेड टू एक्सटेंड टू एक्सटेंडेड इट टू ए बैटरी ऑफ हुआ दर्स, मतलब वो सोचेंगे यार दूसरे में भी लगा के देखते हैं, चलो आज दारू पे लगाया, कोई और ऐसा चीज जो जिसको इंजूरियस बोलते हैं या सोसाइटी के लिए बोलते हैं कि हानिकारक, ऐसा कुछ जस्टिफाई करके उस पर भी लगा दें, तो एक हैबिट भी गवर्नमेंट की हो सकती है, ठीक है। तो
ये सारे चेक एंड बैलेंस हैं इसमें, है ना। आपको न्यूट्रल होके चलना है एग्जाम में। आपको मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद ये था कि सेम टैक्स के बारे में बोला जा रहा है इस बार 2022 में बढ़ाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू ये अफेक्ट हो रहा है और आप इसको कैसे बैलेंस करके चलना है। आपको किसी पक्ष में नहीं जाना है, आपको पॉलिटिकल नहीं होना है, आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थिंकर से ऐसा बनना है कि क्या करना चाहिए कौन से सिचुएशन में। तो हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक फिक्स डिसीजन पे मत रहिएगा और आपको फैक्ट जस्ट जानने हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, बने रहो इसी तरह से, देखो और आगे वीडियो हम लाएंगे उसमें वो कोई दूसरी जानकारी लेके आएंगे। थैंक यू।